सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे ऑडियो कैसे इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है ऑडियो और ऑडियो पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ देखो हमारे पास कुछ म्यूज़िक पड़े हुए हैं, उन म्यूज़िक को आप क्लिक करो, जैसे किंग का स्ट्रीट है कोई सॉन्ग लगा दो, इंसर्ट किया। बट एक क्या लगेगा कि अगर यूट्यूब पे आप अगर अपलोड कर रहे हो कोई भी वीडियो बनाने के लिए, तो उनमें किसी अदर कंपनी का नहीं होना चाहिए, वरना वो कॉपीराइट लग जाएगा। आपका सेल्फ मेड हो या कोई ऐसा म्यूजिक हो जो जिस पे यूट्यूब अलाउ करता है, सो प्ले करो। जो उसका अभी अगर बैकग्राउंड म्यूजिक रखना चाहते हो तो उसको म्यूट कर लेना, हल्का सा हल्का चलाओ। जिसमें आवाज़ देना चाहते हो या और कुछ पढ़ाना चाहते हो, कुछ भी बनाना चाहते हो, तो इसको हल्का रख सकते हो। और इस चीज़ को उठा करके ये जो आपको दिख रहा है इसको साइड में रख लो यहाँ पर, और यहाँ लिख दो हाई ड्यूरिंग शो, यहाँ पे लिख दो आप क्लिक करके कि प्ले इन बैकग्राउंड, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देना। एक और चीज़ क्या लगना कि यार ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा है ट्रिम, क्लिक करोगे आप ट्रिम पे तो इसको आप कट भी कर सकते हो, कि आप जैसे कि 2 मिनट का है 3 मिनट का है तो आप इसको चला भी सकते हो, यहाँ से चलाना है यहाँ से तो ओके कर दो, तो ये डायरेक्टली वहीं से चलेगा, प्ले करो। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, जैसे वीडियो ऐड करना चाहते हो, तो इंसर्ट करो, यहाँ लिखा है वीडियो, क्लिक करके लिखो। यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे एक वीडियो इंसर्ट करता हूँ अभी जस्ट आपके सामने। हमने क्लिक किया, ये हमारे पास पिक्चर है और यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल पड़े हैं वीडियो लिस्ट, मैं इनको ओपन करता हूँ। और यहाँ हमने ले लिया गालिब साहब को, इंसर्ट किया, ये भी इंसर्ट हो जाएंगे ये, तो इनको करना कि इसको साइड रख दो और इसको स्मॉल कर लो। स्मॉल करने के बाद यहाँ पर रखना चाहते हो कि ये बहुत ही स्मॉल पार्ट में चले, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रख दो चले। फुल स्क्रीन रखना चाहते हो बिल्कुल रखो, सॉरी फुल स्क्रीन नहीं रखना, फिर छोटे पार्ट में चलाना है। और यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन है, इसका बैकग्राउंड दे दो, अगर ये बैकग्राउंड हो जाएगा तो इसको कलर भी कर दो। ये LCD जैसे LCD बॉक्स होता है ना, वैसा लगाना चाहते हो बिल्कुल लगा सकते हो, तो ये बॉक्स होता है, आप कलर करना चाहो तो और भी खूबसूरत लगेगा, देना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो LCD बॉक्स जैसे दिखेंगे और ये प्ले भी रहेगा, और इसके बाद यहाँ पे देखो हम वापस आएंगे, ट्रांजिशन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, और यहाँ पर लिखा है एनिमेशन, तो एनिमेशन जब आप जाओगे तो क्लिक करना विथ प्रीवियस, और ये जो ऑडियो लगाया है ऑडियो में भी आप क्लिक करोगे विथ प्रीवियस की कंटिन्यू चले, ठीक है। और ये इसका जो वॉइस है वॉइस को कम कर लेना, ताकि आपको ये वीडियो भी समझ में आए, आप इसको प्ले कर देखो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगता है YouTube के लिए वीडियो कैसे बनाते हैं, और कोई भी आपके पास फ़ोटो हो और उसमें आप कैसे वीडियो बना पाओगे वो मैं आज बताऊंगा। जैसे कोई एनिमेशन ऐड करना, कोई डिज़ाइन ऐड करना, ट्रांजिशन ऐड करना, इफ़ेक्ट ऐड करना, उन पे कैसे वर्क करते हैं ये मैं फुली आज डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो आप इसको देख सकते हैं, वैसे इतना हो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ ये न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, मैंने ओपन कर लिया है पावर पॉइंट, और यहाँ पर न्यू स्लाइड होगा। एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास नया फीचर होगा MS Office का तो आप और भी अच्छे से काम कर पाओगे। 2007 है तो 2007 काफ़ी पुराना वर्जन है, 2007 के बाद 2010 है, 10 ठीक है कुछ हद तक, 10 के बाद 2013 है ऑफिस का, 2016 है, सो 2016 में अगर काम करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर 2019 अगर परचेस कर सकते हैं आप, तो 2019 में अगर करते हैं तो आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे एक न्यूज़ एंकरिंग होता है उस तरीके से आप लाइव रिकॉर्ड कर पाओगे 2019 में, ये मैं बता रहा हूँ 2016। देखो यहाँ पे मैंने 2-3 पेज मैंने ले लिया, इसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ हम एडिटिंग करेंगे, मैं दिखाता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे एक सिंपल सा हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे, एक टॉपिक हमारे पास होना चाहिए कोई जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे हाउ टू मेक वीडियोज़, और यहाँ मैंने लिख दिया, अगर लिखना हो तो ठीक है यहाँ लिख सकते हो, इसको हटा दो, और यहाँ हम इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल इस ऑल सेलेक्ट, ये फॉर्मेट ऑप्शन है, यहाँ पर इसका हम फॉर्मेटिंग करेंगे। देखो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है वो फॉन्ट बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है ना,
लेकिन अगर इस फॉन्ट को लुक चेंज करना चाहते हो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन पे जाओ या डिज़ाइन लिखा हुआ है। डिज़ाइन में जैसे ही आप थीम अप्लाई करोगे वो फॉन्ट का लुक चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक मैंने अप्लाई किया, यहाँ डिज़ाइन हो गया पेज का पूरा पूरा। अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप, और भी डिज़ाइन करना चाहो तो ये देखो कलर है, कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो मिक्स कराना चाहो, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर इसमें से भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड जाओ, आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट फील मिलेगा, ग्रेडियंट से आप कोई भी कलर फिट करना चाहते हो देखो यहाँ से भी कलर ले सकते हो। देखो यहाँ पर बनाना हमें ग्रेडियंट फील लेना है तो यहाँ पे हम ग्रेडियंट भी ले सकते हैं, पाथ भी हमारे पास है। यहाँ से कलर की बात होती है कि आप फेस को कितना अट्रैक्ट बना सकते हैं। रेड कलर ले लो, ठीक है, यहाँ से रूट कराओ। अगर ये यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है तो इसको ना पहले यहाँ पर नॉर्मल करो, सीधा से ये नॉर्मल से ले लिया, या दूसरा पेज हम ले लेते हैं। और भी हमारे पास थीम है, थीम अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करेंगे। ग्रेडियंट क्लिक किया, अब यहाँ देख सकते हो इसको अपना जितना चाहो उतना इसको अट्रैक्ट लुक बना सकते हो बढ़िया सा। और भी यहाँ पे कलर है, आप येलो कलर इस्तेमाल करो, ठीक है, जो कलर इसमें जितना भी डिज़ाइन चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, इसको अगर लीनियर करना चाहो लीनियर के लिए ऑप्शन है, रेडियल करना चाहो तो देखो रेडियल भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जो ग्रेडियंट स्ट्रोक दिख रहे हैं, ग्रेडियंट स्ट्रोक इस पर रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, ठीक है, फोकस देना चाहते हो किसी भी इमेज पर तो यहाँ से फोकस दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे कलर हैं, आप उनको कई कलर को मिक्स कर सकते हो। देखो इन कलर को आप मूवमेंट दे सकते हो यहाँ पर इस तरह से, ये दिख रहा है आपको, येलो पॉइंट लगा दो यहाँ पर और फोकस हो जाएगा पूरा पेज पर, ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। इसके बाद अगर ये जो लास्ट क्वेश्चन कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पर आप कोई और कलर देना चाहते हो तो कलर दे सकते हो, यहाँ पर आपको कलर दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है। इस तरीके से पेज को आप डिज़ाइन कर सकते हो, या नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल भी रख सकते हो। यहाँ पैटर्न लिखा हुआ है तो आप पैटर्न लगाना चाहो तो पैटर्न भी लगा सकते हो, आपको पैटर्न दिख रहा होगा। इस तरह से हम यहाँ पर ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, जो बेस्ट हो आप उनको इस्तेमाल करो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो फॉन्ट हमारे पास है, हम फॉर्मेट पे जाएंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास मिला फॉन्ट का स्टाइल, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम इनको। इसके बाद हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सॉरी, हम ग्रेडियंट फिल ही लेते हैं, हमने ग्रेडियंट फिल लिया, सॉरी। देखो यहाँ से जब ग्रेडियंट फिल लेना हो तो डिज़ाइन पे जाओ आप, और यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड क्लिक करना तो ये बैकग्राउंड आएगा, वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड आ रहा था इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो हमेशा ख्याल रखिएगा डिज़ाइन, उसके बाद यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड मिलेगा, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखो रेडियल है तो इसको चेंज करना चाहो रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल कर लो, और पूरा रिफ्लेक्शन मिलेगा वो कर दे, और पाथ कर लो तो पाथ जैसा मिलेगा। और क्लिक किया यहाँ पे चाहते हो कोई और कलर तो यहाँ पे और भी कलर लगा सकते हो। इसका डायरेक्शन चेंज सेट करना चाहो तो डायरेक्शन आप सेट कर लो। इसके बाद ये जो फॉन्ट है हमारे पास, फॉन्ट को थोड़ा अट्रैक्ट लुक में डालेंगे हम, यहाँ पर एक नॉर्मल कंडीशन लेते हैं फॉन्ट का, सेलेक्ट किया कंट्रोल इसे ऑल सेलेक्ट, और यहाँ पे फिलहाल हम एक कोई फॉन्ट लेंगे। इसके बाद यहाँ होम पे जा करके इसका जो फॉन्ट का स्टाइल होगा हम स्टाइल को चेंज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दिख रहे हैं तो कोई एक स्टाइल हम यूज़ करेंगे इनमें से। हमने इसको यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं वह स्टाइल टेक्स्ट की, टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हो आप यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इफेक्ट होगा तो इफेक्ट पे चले जाओ, यहाँ पे मिलेगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आप जाइएगा तो देखो टेक्स्ट का मूवमेंट होता है ये पूरा पूरा, आप टेक्स्ट का मूवमेंट दिखाना चाहते हो जैसे भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर। और इसका मूवमेंट देने के बाद आप क्लिक कर लो और कंट्रोल यू लगा दो अंडरलाइन के साथ, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड पीछे जो लगा हुआ है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो इसको हम चेंज ही कर देते हैं यहाँ से, अब कुछ हद तक सही है क्योंकि वो काफ़ी सही नहीं लग रहा था। इसके बाद सेकेंड पेज चले जाओ, देखो यहाँ पे ये सब स्टाइल दिख रहा है, ये लाइनिंग दिख रही है, यहाँ पे हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स कर देना, ठीक है। और इनमें क्या करना, इसको हटा दो पूरा पूरा, इसका जो बॉर्डर है। यहाँ पर हम इंसर्ट पर जाएंगे और पिक्चर पर हमने क्लिक किया,
पिक्चर से हम कुछ इमेज मंगा लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कुछ हमारे पास फ्रेम होंगे, हमने फ्रेम पे क्लिक किया, यहाँ हमें दिख रहा है एक फ्रेम हमारे पास है, हमने इंसर्ट किया इसको। इस फ्रेम को भी हम डिज़ाइन करना चाहें जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, स्टाइल देना चाहें। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, और इस तरह से 3D फॉर्म करना चाहें तो 3D फॉर्म कर लीजिए, या इसका स्टाइल देना चाहते हैं प्रीसेट में आप इस तरह से भी दे सकते हो, और ओवल बनाना चाहते हो ओवल बना दो, और फिर से यहाँ पर जा करके प्रीसेट को चेंज कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर इसका लाइनिंग को कलर देना चाहो तो देखो इस तरह से कलर भी दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाओ, नेक्स्ट पेज पर हम जब जाएंगे तो यहाँ पर एक और पेज मंगाएंगे, एक और इमेज, और हम यहाँ से एक इमेज को क्लिक कर दें कोई, हमने क्लिक किया और इंसर्ट किया। अब देखो ये जो इमेज लगा हुआ है इसमें भी हम एक डिज़ाइन दे देते हैं छोटा सा, कोई रोटेशन लगा करके यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, और इसका हम सेव देंगे। इसको अगर 3D फॉर्म में लगाना चाहते हैं तो 3D फॉर्म में लगा सकते हैं हम, ये पूरा पूरा एक फॉर्म बन जाएगा, इस तरह से भी बना सकते हैं हम। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, बैक करते हैं, लास्ट पेज पे जाएंगे। देखो लास्ट पेज क्या हमारे पास है, हम यहाँ पे एंडिंग करना चाहते हैं जो भी इनके साथ काम किए हैं वीडियो में, और यहाँ पे पहले इसको ग्राफिक्स को मटा देंगे। देखो डिज़ाइन में जाना, डिज़ाइन में जाकर के यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिक करो, यहाँ लिखा होगा हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, तो बैकग्राउंड का जो ग्राफिक्स है नीचे वाला हट जाएगा। अब यहाँ पे जितने लोगों ने काम किया उनका नाम लिख दो आप, काम में क्या जैसे लिख दिया हमने डायरेक्टर कौन है, ठीक है, डायरेक्टर या कंपोजर, हमने लिख दिया डायरेक्टर, कंट्रोल ई कर लो, ये सेंटर में आ जाएगा सेंटर में, और सो सेलेक्ट करके कंट्रोल यू एंड कंट्रोल बी करके नीचे आ जाओ, उनका नाम लिख दो जैसे हमने लिख दिया सबील अहमद, इंटर किया। अब जो यहाँ पे बात करते हैं राइटर कौन है, तो हमने लिख दिया राइटर, ठीक है, इंटर किया, हमने लिख दिया फ्रैंक, इंटर किया, यहाँ पर लिख दिया अपने और भी चीज़ें जो भी इनमें जो हेल्प लिया है, स्क्रिप्ट किसका है, ठीक है, वो चीज़ आप पूरा पूरा तैयार कर सकते हो। इसके बाद ये जो ऊपर वाला फॉन्ट होगा इस फॉन्ट को थोड़ा सा अलग रखना, थोड़ा सा बड़ा, और जो ये राइटर वाला है इसको भी बड़ा कर लो। देखो एक काम करना, ये जो फॉन्ट है ना इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ अगर उसका लुक देना चाहते हो ना, देखो ये लुक दे सकते हो, यहाँ पर ये लुक है, चेंज कर लो इसको, और इसमें जो लुक दे रही है इसको फॉर्मेट प्रिंटर करो, और इसको भी अप्लाई कर दो यहाँ पे, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, इसको अप्लाई कर दो, तो एज इट इज़ वो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमने क्लिक किया, और ये जो वर्ड है इस वर्ड पर हम एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग करने के लिए काम करेंगे हम, पेज को कैसे मूव कराना है वो देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, अप्लाई टू ऑल कर लेते हैं, सब पे एक जैसा लगेगा, और इसका जो ग्राफिक्स है ग्राफिक्स को हम हाइड कर देंगे, एक जैसा रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे ट्रांजिशन पे, ट्रांजिशन में हमने क्लिक किया, यहाँ पे पेज को कैसे मूवमेंट कराते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है, बॉक्स है, गैलरी है, स्विचेस है, तो आप एक अप्लाई करके देखो क्या कर रहा है। ये यूज़ करना है तो कॉम यूज़ करना है तो कॉम यूज़ कर लो, और यहाँ जो पेज जितना टाइम चल रहा है उसका टाइमिंग यहाँ दे दो कि ये आराम से चले, आप 10 का टाइम दे सकते हो ड्यूरेशन, और ये जो ऑन क्लिक है इसको ऑन हटा करके ऑफ कर रख देना। इसके बाद दूसरे पे क्लिक करो, यहाँ पर लगा दो ये वाला, कोई एक रिपल लगाना चाहो तो रिपल लगा दो, तो कैसा करेगा, और यहाँ पर इसका जो टाइमिंग है 10 कर लो, इसको भी आराम से करिए भी मूवमेंट। इसके बाद यहाँ पर जो ऑन क्लिक हटा करके ऑफ कर दो, नेक्स्ट पेज पर जाओ, यहाँ पर एक काम करो फिर से, अब यहाँ पर चाहते हो कि डोर ओपन हो या स्विचेस हो ऑल ओवर हो, तो क्लिक करके देखो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे इसको अब हटा करके आफ्टर लगा दो और टाइमिंग ऐड कर लो। टाइम ऐड करने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाओ, देखो यहाँ पे फॉल ओवर था तो फॉल डाउन भी कर सकते हो, यहाँ पर लिखा ना कि फॉल ओवर है, देखो यहाँ ऑप्शन लिख रहा है फॉल राइट, राइट पर क्लिक करो तो अलग तरीके से दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करो नेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। ये सो चेंज करना चाहते हो चेंज कर लो, आपके पास और भी ऑप्शन है, ऐसे विंड पावर है, ठीक है, आपने देखा होगा वो राजा हिंदुस्तानी में जो एक सीरियल आता था तो उसमें ये ऐसे ही कुछ यूज़ होता था ना प्रेस्टीज जैसा, ये जब स्टार्ट होता था ये वाला विंड, ठीक है, फिर वह दिल है हिंदुस्तानी एक सीरियल आता था वहाँ पर।
देखो यहाँ आप इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे आफ्टर लगा लीजिएगा, इसको बड़ा कर लीजिए तो टाइम दे करके। इसके बाद करना क्या है, ये जो वर्ड है, वर्ड को चाहते हो मूवमेंट देना, तो मूवमेंट देने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि इसमें क्लिक करो और एक ऑप्शन है कि एनिमेशन चले जाओ। यहाँ पर लिखा है ऐड एनिमेशन और यहाँ पर लिखा है मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, तो इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हमारे पास होंगी जिसे हमें पता होना चाहिए कि कर ऑफ से क्या होता है, फ्लिप से क्या होता है, तो सब पे हम प्ले करके देखेंगे इससे क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखो वर्ड का जो स्टाइल होता है ना, कर्व ऑफ करके आएगा, या अगर ड्रॉप की बात करूँ तो ड्रॉप जैसा आएगा बारी बारी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो इस चीज़ को। ओके, और वाइप की बात करूँ तो ये प्रेजेंटेशन व्यू में हम काम करते हैं, स्पायरल इन है तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फ्लोट डाउन है, फ्लोट डाउन भी यूज़ करो, या ग्रुप टर्न यूज़ कर सकते हो तो वो यूज़ कर लो, और यहाँ पे कंप्रेस है, एक्सपैंड है, स्वीवल है, इनमें से हम जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिलहाल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ड्रॉप, ड्रॉप हमने क्लिक किया और ओके कर दो। इसके बाद करना क्या है हमें, ड्रॉप यूज़ करने के बाद नेक्स्ट पे चले जाओ। हाँ, एक और काम करना है हमें, ड्रॉप पे हमें क्लिक करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेशन पैन, ठीक है, क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक करेंगे विथ प्रीवियस रखना है, जब पेज पे ओपन हो तो विथ प्रीवियस चले, अगर जो मूवमेंट ये चल रहा था बारी बारी, इसका टाइम देना चाहते हो तो यहाँ पर टाइम भी बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जब जाएंगे, ये वर्ड हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है और इसको हम चाहते हैं स्पिन कराना हो, टीटर कराना हो, देखो टीटर क्या करेगा, हल्का से हिलता है, ठीक है ना, मतलब मूवमेंट करेगा, इसको विथ प्रीवियस कर लो और इसका टाइमिंग देना चाहो टाइम दे दो। इसके बाद एक और मूवमेंट लगाना चाहते हो इस पर तो आप लगा सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, क्लिक करो ऐड इफेक्ट एंड आप स्पिन लगा दो, तो स्पिन जैसा भी करता है, अगर स्पिन नहीं लगाना इसको हटा दो, ठीक है। और इसमें हम लगा देंगे बेसिक जूम, लगा सकते हैं बेसिक जूम लगा देंगे तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, या सेंटर रिजॉल्व कर लें, या फ्लाई इन कर लें, एक्सपेंड कर लें, स्वीवल कर लें, ये तरीके होंगे। ओके करो, इसके बाद इसको लगा दो आप विथ प्रीवियस या आफ्टर प्रीवियस भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाओ, यहाँ पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पर हम ग्रो टर्न भी करा सकते हैं और इसमें हमने क्लिक किया विथ प्रीवियस कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज़, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज मंगा लिया, इस इमेज पे हमें एक मूवमेंट देना है, इस इमेज को उठा करके साइड में रख दो, पेज के बाहर यहाँ रख सकते हो, एक फैसिलिटी है। ओके, इसको बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लो, इसमें ये GIF फोल्डर में, और इसको हम थोड़ा अंदर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो लिखा है ट्रांजिशन, ये रहा डिज़ाइन, ये एनिमेशन, तो हम वापस आते हैं ऐड एनिमेशन पे। यहाँ पे देखो एक होता है मोशन पाथ, मोशन पाथ भी दे सकते हो, या मोशन पाथ देने के लिए आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लिक करो, देखो यहाँ भी मिलेगा हमें। अगर पेंसिल से चलाना चाहते हो तो कस्टम पाथ चला करके आप उसको जितना चाहो उतना मूवमेंट करा सकते हो, या आप डायरेक्टली लाइन देना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ लिखा है मोशन पाथ और यहाँ पर लिखा होगा लेफ्ट एंड राइट, सो इस पर क्लिक कर लेना, ये रहा राइट, तो ये राइट है, राइट साइड में जाएगा, ये लेफ्ट लेफ्ट में जाएगा। ओके करो, अब ये क्या होगा, ये जो इमेज है वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, इसको मूवमेंट दे दो कि यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है। इसके बाद इसको करना क्या, इसको कर दो विथ प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस, मतलब ये आ जाए फिर ये इमेज यहाँ पर मूव करे। इसके बाद लास्ट पर चले जाओ, ये लास्ट वाला आप दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड इफेक्ट करो और मोर इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इसको एंडिंग करते हैं, क्रेडिट पे क्लिक करके हम इसको ओके करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कस किया था नेक्स्ट वाले वीडियो में, अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये है वीडियो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो मैंने लगा दिया क्रेडिट, ठीक है, अब देखो ये मेरे पास पूरा रेडी हो गया, आप इसमें जितना मूवमेंट देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। अगर इसे समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में कह भी सकते हो, पूछ भी सकते हो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसको सेव करने का तरीका क्या है, वीडियो बनाने का, आप कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस प्रेस करोगे, यहाँ पे लिखा दिस पीसी और इसका जो लोकेशन लेना हो लोकेशन आप ले लो, जहाँ सेव करना चाहते हो, यहाँ पर इसको हम लोकेशन लेते हैं, और ये मेरा PPT वाला फाइल है और ये मेरा PPT प्रो का फाइल है, मतलब कहीं भी आप लोकेशन ले लो। और यहाँ पे जो इसका सेव करने का ऑप्शन है, यहाँ लिखा है MPEG MP4 वीडियो, ठीक है, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे सेव क्लिक करो,
जैसे ही आप इसको सेव पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पर नीचे कुछ दम, इसको दिखाऊं शुरू स्क्रीन, ये रहा देखो यहाँ लिखा है क्रिएटिंग वीडियो हाउ टू मेक वीडियो, ठीक है ना, वीडियो क्या होगा, ठीक है, कम से कम आपके पास इतना वीडियो जितना होगा उतना टाइम ही लगता है, ठीक है, तो इस तरीके ये होता है। देखो जब वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उस लोकेशन में जाकर उसको प्ले कर लो, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है सेव करने का। बस एक बार मैं फिर से दिखा दूँ,